सेविंग का समय है। जिस तरीके से एनर्जी आज के ज़माने में वेस्ट हो रही है, बहुत ज़रूरी है लोगों का और कंपनियों का एनर्जी सेविंग की तरफ थोड़ा ध्यान देना। सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। तो आज की गौरव गाथा की जो सफ़र है, वहाँ हम पहुँचे पावरट्रॉनिक कंपनी में। इस कंपनी में जो प्रोडक्ट्स है वो एनर्जी सेविंग को लेके बहुत ही उम्दा काम करते हैं। आज हम पावरट्रॉनिक्स में यहाँ के जो डायरेक्टर है मिस्टर विजय ब्राह्मणिया, उनसे मुलाकात करेंगे, इस कंपनी के बारे में जानेंगे, उनके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। इंडिया न्यूज़ गुजरात की खास पेशकश गौरव गाथा में आज है हम पावरट्रॉनिक्स कंपनी में, जहाँ के जो डायरेक्टर है मिस्टर विजय ब्राह्मणिया, उनके साथ हम खास मुलाकात करेंगे, उनके बिजनेस के बारे में जानेंगे, उनकी कंपनी के बारे में जानेंगे, किस तरह का उनका प्रोडक्ट है वो तमाम हम जानकारी लेंगे। स्वागत है आपका विजय जी। सबसे पहले मैं आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहूँगी, आपकी कंपनी किस बारे में है, क्या उसका प्रोडक्शन है और किस तरीके से आपने उसकी शुरुआत की? मेरा कंपनी का नाम पावरट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा नाम विजय ब्राह्मणिया है और मैं इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर हूँ। अभी ये कंपनी हमने 2009 में स्टार्ट किया था। वी प्रोवाइड द ऑटोमेशन सॉल्यूशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पैकेजिंग, सोलार्स। सो बेसिकली आवर प्रोडक्ट इज फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स दैट इज इट एनर्जी सेविंग, दैट गिव्स एनर्जी सेविंग टू द इंडस्ट्री। सो बेसिकली आवर मोटो टू इंडस्ट्री इज सेविंग द एनर्जी एंड गिविंग द हायर प्रोडक्शन, हायर क्वालिटी एंड हायर एक्यूरेसीज। जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट है एनर्जी सेविंग का, ये कॉन्सेप्ट आजकल देखा जाए तो बहुत ज़रूरी भी है। जिस तरीके से एनर्जी का जो यूज़ होता है, सरकार भी कहती है एनर्जी सेविंग के बारे में, आपको किस तरीके से ख्याल है कि मुझे अगर कोई बिजनेस करना है तो ये इस तरीके से मुझे बिजनेस करना है, एनर्जी सेविंग को लेके करना है? बेसिकली मेरा बैकग्राउंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो फ्रॉम द एजुकेशन हमको ये जो एनर्जी सेविंग और एनर्जी कन्वर्जेशन के बारे में बताया जा रहा था। तो जब मैंने अपना करियर शुरुआत किया तो मेरे को लगा कि ये इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो फॉर्मूलेज है उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा भी ग्रोथ होगा और इंडस्ट्री की नीड है आजकल एनर्जी सेविंग। तो हमने स्टार्ट किया एक छोटे से एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट से, जिसमें हमने कुछ कई इंडस्ट्री में जाके हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको इम्प्लीमेंट किया। उसमें हमने रिजल्ट पाया कि जो एनर्जी सेविंग हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है और जिससे इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो फिर ऐसे करके हमने ये प्रोडक्ट वगैरह स्टार्ट किए। एनर्जी सेविंग का जो आपका प्रोडक्ट है भी लोग जानते नहीं है मार्केट में, अगर हम देखें इस तरीके से, तो किस तरीके से उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को आए कि उसका मार्केट बने? अभी गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारे अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कस्टमर को या जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो स्कीम के तहत जो लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करवा रहे हैं उसमें उनका एनर्जी सेविंग्स होता है। सेकंडली गवर्नमेंट को भी क्या होता है कि बड़ा प्लांट्स में अगर कुछ सेविंग्स मिल रहे हैं तो आज उनका जो एनर्जी का जो वेस्टेज है वो उसको सेव कर सकते हैं और कहीं और उसको फ्री सप्लाई को कहीं और जगह पे उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। सेकंडली गवर्नमेंट ने जो सोलार रूफटॉप के जो लिए जो स्कीम्स निकाले हुए, तो उनका आज सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट मिलके जो आज उनके लिए जो नए स्कीम और सब्सिडीज जो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए प्रोवाइड कर रही है, तो इससे ये एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ रहा है और लोग उसका इम्पोर्टेंस भी समझ रहे हैं और लोग सब्सिडी की वजह से उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट उनके प्रोडक्ट पे होना है और उनकी प्रोडक्ट पे कॉस्ट पे होना है। बिकॉज टुडे इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, एवरीवन हैज़ टू कम्पीट विद द कॉम्पिटिशन। तो आज की रेट में लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ कॉस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कॉस्ट के कॉस्ट की ऊपर से ही हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट डिफाइन करते हैं। अगर कुछ एनर्जी सेविंग से उनका कॉस्ट सेविंग हो सकता है तो उनका प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव बन सकता है। तो हम लोग हमारे हर कस्टमर को जाके ये चीज़ें समझाते हैं और कस्टमर इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं और हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, कस्टमर की जिस तरीके से आपने बात की, आज के ज़माने में कोई भी बिजनेस हो, कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए कि वो इतना सेटिस्फाइड हो, वापस उसी बिजनेस में उसी कंपनी के पास आए, क्या करना चाहिए कि जिससे आपका कस्टमर हमेशा बना रहे? अकॉर्डिंग टू यू किस तरीके से कस्टमर को बनाया जा सकता है?
फर्स्ट कस्टमर को हम जब अप्रोच करते हैं तो वी गिव देम ऑल द फैक्ट्स, हम लोग कोई भी हाइपोथेटिकल जो थी चीज़ें होती है, बिकॉज ये इमीडिएट आप अगर कोई भी एनर्जी सेविंग करते हो तो इट इज़ नॉट अ इमीडिएट आपको वो सामने दिखेगा, इट हैज़ सम आरओआई कि आपको कुछ लॉन्ग पीरियड में उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो हमारा जो बेसिक कैलकुलेशंस होता है आरओआई कैलकुलेशंस का, वो एक परफेक्ट देते हैं जिससे कस्टमर को ट्रस्ट आता है, और जब कस्टमर वो रिजल्ट्स देखते हैं अपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हुए, तो फिर वो कस्टमर हमारे साथ ज़्यादा जगहों पे जुड़ना पसंद करते हैं। सेकंडली, हमारे पास जो एप्लीकेशंस इंजीनियर्स का टीम्स है, जो हमारा टेक्निकल टीम है, हमारा 35% स्टाफ टेक्निकल है, तो वो लोग हर दिन कुछ नया एप्लीकेशन स्टडी करते हैं और वहाँ पे नए एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी सेविंग के लिए वो लोग कुछ आइडियाज़ लगाते हैं और वो इंडस्ट्री में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दैट इज़ बहुत ही यूनिक्स होते हैं और वो हमारी कंपनी की ओर से हम लोग इनिशिएटिव करते हैं। तो कस्टमर आज हर एक कस्टमर वो नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहता है, तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन एप्लीकेशंस वो हमारे कस्टमर को मेंटेन्स करता है। टेक्नोलॉजी की जिस तरीके से आपने बात की, पूरी कंपनी जो आपकी पावरट्रॉनिक्स है टेक्नोलॉजी को लेके है, और ग्राहक भी जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी नई आती है उसे अडॉप्ट करता है, उसी तरीके से आज के ज़माने में हम देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज भी हो जाती है, तो आपकी कंपनी में किस तरीके का कभी कभी चैलेंजेस आते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी बदल गई तो हमें भी नया वो सीखना पड़ता है, आपके जो भी एम्प्लॉई होंगे उन्हें भी सीखना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं मतलब किस तरीके से कोप अप करते जब ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि आजकल हर साल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। हमारे जो मेनली प्रोडक्ट है जो पावरट्रॉनिक्स में हम यूज़ मतलब सर्व करते हैं टू द कस्टमर, वो फुजी इलेक्ट्रिक से आते हैं। बेसिकली फुजी इलेक्ट्रिक जापान का कंपनी है और उनका मेन मोटिव है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना और उनके प्रोडक्ट्स में वही टेक्नोलॉजी उनको अपग्रेड करना। तो वो उनका पूरा जो डिज़ाइनिंग और जो R&D है वो जापान से होता है, फिर यहाँ पे हमारे इंजीनियर को हर एक प्रोडक्ट पे पीरियडिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कि ये प्रोडक्ट को कैसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना है और ये प्रोडक्ट से हमको क्या बेनिफिट हो रहा है। फिर जो नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसका पीरियडिकली वो भी एक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर खुद भी उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी से आज इंडस्ट्रीज़ में क्या बेनिफिट हो रहा है, या कोई उनको जो उन्होंने जो कमिट किए थे मतलब बेनिफिट्स वो एक्चुअली में वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और वो कस्टमर के पास जाके उनके फीडबैक्स लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी टीम और जो हमारे जो प्रिंसिपल टीम है वो सारी सब लोग एक एज अ टीम मिलके हम लोग कस्टमर को पूरा चीज़ें समझाते हैं और उनको जो रियलिटी एनर्जी सेविंग्स है उसके रिजल्ट्स ऑन पेपर देते हैं, तभी वो कस्टमर को ट्रस्ट भी आता है। और हमारे इंजीनियर भी ये प्रोसेस में क्या होते हैं, हमारे इंजीनियर को बार बार कंटिन्यूसली ट्रेनिंग होता है, तो हमारा इंजीनियर्स भी उसमें अपग्रेड होते रहते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। पावरट्रॉनिक्स कंपनी की बात की जाए, गुजरात में इसका मतलब कहाँ कहाँ आपकी चेन्स है, कहाँ कहाँ आपके यूनिट है, किस तरीके से गुजरात में आप लोग काम करते हैं? बेसिकली हमने ये कंपनी अहमदाबाद से स्टार्ट किया था, अभी गुजरात में हमारे बेसिकली 3 ब्रांचेज है, हम लोग राजकोट और सूरत में भी ऑपरेट करते हैं, हमारा वहाँ पे इंडिविजुअली सेल्स एंड सर्विस का ऑफिसेज है। हमारे गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में, राजस्थान में और बंगाल में हमारे ब्रांचेज है। महाराष्ट्र में हमारा मुंबई और पुणे दोनों लोकेशंस पे हमारे पूरा टीम है, जयपुर में हमारा एक लोकेशन है और कोलकाता में हमारा लोकेशन से। तो हमारा जो पावरट्रॉनिक्स का जो प्रेजेंस है वो पान इंडिया बेसिस पे है, और हमारे कुछ एसोसिएट्स है जैसे नॉर्थ में है, साउथ में है, चेन्नई में, बेंगलोर में। तो हम लोग जो कस्टमर्स के एंड कस्टमर को हम लोग पान इंडिया बेसिस पे सर्विस दे पाते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा कमिटमेंट कस्टमर टूवर्ड्स यही रहता है कि आपको पूरा जो भी सर्विस है वो पान इंडिया बेस मिल सकता है। ये हमने नेशनल चेन की आपकी बात की, इंटरनेशनल लेवल पे आपका बिजनेस की आप किस तरीके से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, या फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है? मैडम, हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मशीन मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़े होते हैं, तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर से OEM से वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स में जुड़े होते हैं, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स करते हैं और हम लोग उनका सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ यूनिक सॉल्यूशंस है, जैसे हमने एक स्टील में एक यूनिक सॉल्यूशन निकाले है पाइप वेंडलिंग के लिए, तो वो
जो सॉल्यूशंस है तो हम लोग यहाँ पे वो कुछ अच्छा कंपनीज है स्टील के, जैसे वेल्सपन करके कंपनी है, तो हमने वेल्सपन के यहाँ के गुजरात के प्लांट्स में हमने इम्प्लीमेंट किया, तो उनके यूएस की टीम ने ऑब्जर्व किया और दे फाइंड इट इज़ वेरी गुड एंड यूनिक सॉल्यूशन। सो अभी हम लोग यहाँ यूएस में भी यही सेम प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, और हम लोग थोड़ा बहुत दुबई में जो सोलार कंट्रोलर है, मतलब सोलार पम्प कंट्रोलर है, वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से आपने बताया आपकी सारी कंपनी के बारे में, पूरी टेक्नोलॉजी पे बेस है, पर्सनली मैं आपने से पूछना चाहूँ, आपने किस तरीके से आपको ये ख्याल आया, आप जब स्टडी करते थे आपने क्या स्टडी कंप्लीट की और कैसे इस चीज़ का आपको विचार है कि मुझे इस तरीके से इस बिजनेस में आना है? बेसिकली मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, पावर एनर्जी सेविंग के कॉन्सेप्ट में जितने भी जो डिवाइसेस है दैट इंडस्ट्री कॉल द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमारे एजुकेशन से ही हमको ये एनर्जी सेविंग्स के कॉन्सेप्ट हमको बताए जा रहे थे। फिर मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो मैं भी जो कंपनी से हमने मतलब ज्वाइंट हुए तो वहाँ पर भी ये एनर्जी सेविंग से कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हमने एग्जीक्यूट किए। फिर हम ये फुजी इलेक्ट्रिक से कंपनी से हमारा जब नाता जुड़ा हमारे कंपनी के साथ, तो वहाँ पे हमने देखा कि उनका जो फोकस है पूरा वर्ल्ड वाइड वो एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे और दे गॉट द सक्सेस। सो हमने सेम चीज़ हमारी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया और हम लोग सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज़ पे ध्यान देते गए कि नए नए कंसेप्ट ला के हमको कैसे कैसे एनर्जी सेविंग कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो नीड्स था उसको हमने समझा, हमने उसको एड्रेस किया और जो उनके लिए ज़रूरी थे वो सॉल्यूशन हमने खुद डेवलप किए। तो इस तरीके से हम लोग कस्टमर से आज जुड़े हुए हैं। एनर्जी सेविंग की आपने एक जो बहुत ज़रूरी बात की, आपके हिसाब से एनर्जी सेविंग आज के ज़माने में कितनी ज़रूरी है? बहुत फास्ट लाइफ है और हम देखते हैं कि बहुत सारी एनर्जी वेस्ट भी की जाती है। एनर्जी सेविंग में दूसरी कंट्रीज़ बहुत आगे है, अगर हम देखने जाए इसराइल हो, दुबई हो, इंडिया को कितनी ज़रूरत है इसको और आगे बढ़ाने की, क्योंकि अभी भी शायद लोग इतने जागरूक नहीं है। मैडम एनर्जी सेविंग की ज़रूरत तो आप देखेंगे हर एक आदमी को है, हर एक इंडस्ट्रीज़ को है, हर एक घर को है, और एनर्जी होता है वही होता है कंट्री को ड्राइव करता है। आज हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा होनी होगी और हमारे पास रिसोर्स का लिमिटेशन स्टॉक है, तो हमको कहीं ना कहीं जाके वो रिसोर्स को मेंटेन भी करना है और नए आइडियाज़ भी लेके आने हैं जिससे हमारे रिसोर्स मेंटेन रहे और हमारी जो एनर्जी कहीं पर वेस्टेज हो रही है उसको सेव करके जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे गाँव में कहाँ पर बिजली पहुँच नहीं पा रही है तो हम लोग वो जो शॉर्टेज है उसको हम लोग अपने ये सेविंग से उसको रिकवर कर सके। और दूसरा, अभी जो सोलार के लिए गवर्नमेंट इतनी इनिशिएटिव्स ले रही है तो आज जो दूसरी कंट्रीज में कंपैरिजन में देखे जाए तो हमारा जियोमेट्रिकली रीच बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारे पास रिसोर्सिस भी है लेकिन हमारा कंजप्शन भी उसके सामने ज़्यादा है। तो मतलब गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव एक्शन से तो उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट वो अपने टारगेट्स जल्दी ही जल्दी पूरा कर देगी। विजय जी, बेसिकली आप कहाँ से हैं और आपने आपकी पढ़ाई कहाँ से ख़त्म की है? बेसिकली मैं अहमदाबाद से ही हूँ और मेरा जो स्टडीज़ कंप्लीट हुआ वो मैंने मोरबी एली इंजीनियरिंग कॉलेज से किया हुआ था। जैसे कि आप गुजरात से ही है तो, और गुजरात में आपने आपका बिजनेस पूरा इतना अच्छा आज आप यहाँ पे कर रहे हो, एक स्थान बना लिया है, गुजरात के मार्केट को आप बिजनेस के लिए कैसा देखते हैं, कैसा है गुजरात का मार्केट? लोग बाहर से भी स्पेशली यहाँ बिजनेस करने के लिए आते हैं, कहते हैं कि गुजराती मतलब बिजनेस में आगे। गुजराती का दूसरा नाम ही व्यापारी बोला जाता है, तो गुजराती लोगों के माइंड में जब बड़े होते छोटे होते तभी से उनके माइंड में ये चीज़ होता है कि उनको बड़ा होके कुछ बड़ा करना है। अभी बड़ा करने के लिए हर एक आदमी सोचता है कि अपने को धंधा ही करना पड़ेगा, तो ये जो सोच है उसकी वजह से आज लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर और लोग जो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। सेकेंडली इसमें दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट, तो आज यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट जो इंडस्ट्रीज है उसको बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजियंस, तो इसीलिए आज हम लोग इतना वहाँ ग्रोथ कर पा रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हो बचपन से आप भी बिजनेस करना चाहते थे, आप मानते कि गुजरातियों के ब्लड में ही बिजनेस होता है? हाँ मैडम, वो तो आपको भी होना चाहिए। लोग
लोग फॉरेन जाके भी बिजनेस ही करते हैं, अगर हम गुजरातियों को देखना जाए, देखे जिस तरीके से। हाँ, आज यूएस में देखो मैडम, आज जहाँ पे भी आप कहीं पे भी कंट्रीज में जाओ तो वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आज गुजराती होते। गुजराती को मैडम पहले से ही एक चीज़ होती है कि जो भी करना है, जैसे जैसे गुजराती में बोलते हैं जी भी करी से वहाँ आरू करीस, तो वो जो सोच है वही सोच उनको आज आगे जाके बड़ा करती है। सरकार की तरफ से आप कितना प्रोत्साहन देखते हैं, जिस तरीके से अगर हम यहाँ का मार्केट देखें, काफ़ी सारे अच्छे स्कीम्स सरकार ला रही है, फॉरेन से भी इन्वेस्टर्स अभी गुजरात की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सरकार की योजनाओं को, सरकार के प्रोत्साहन को आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार ने बेसिकली जो एनर्जी सेविंग के उनके लिए तो काफ़ी अच्छे स्कीम्स निकाले हैं। जैसे हमने आपको इन्फॉर्म किया कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम अवेलेबल है वो आज मैन्युफैक्चरर को एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहन देता है, और आज उनके जो कॉस्ट सेविंग होती है जिससे एनर्जी भी सेव हो रही है, वो सब एज अ सब्सिडाइज करके वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को फीड कर रहे हैं। सेकंडली जो सोलार के लिए और जो वाटर के लिए जो इनिशिएटिव्स नए लिए जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो हम लोग ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे वो सारे हम इंडिया में कंपेरिजन करें तो दूसरे स्टेट की कंपेरिजन में हमने काफ़ी पहले ही वो इनिशिएट कर लिए थे, तो आज हम लोग अपना अच्छा पोजीशन पे है। मैं हर बार हर जगह विजिट्स करता रहता हूँ, तो हर जगह पे वहाँ पे लोग जनरेटर्स रखते हैं, इन्वर्टर्स रखते हैं, क्योंकि एज एक बैकअप सेफ्टी प्लान के लिए रखते हैं। आज गुजरात में कहीं पे भी घरों पे वो चीज़ जनरेटर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ये स्कीम्स की वजह से ही हमारा जो एनर्जी का बैलेंसिंग हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो गवर्नमेंट काफ़ी इसमें इनिशिएटिव्स ले रही है और कुछ आगे भी अच्छे इनिशिएटिव लेंगे ऐसा आशा है। आज का ज़माना जो है मार्केटिंग का है, ब्रांडिंग का है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा हो, ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आज के जो कंपटीशन का ज़माना है, बहुत सारी कंपनीज एक ही तरह के प्रोडक्ट, बट जिसकी ब्रांडिंग अच्छी वो ज़्यादा बिकता है, उससे आप किस तरीके से देखते हैं, कितना ज़रूरी है ब्रांडिंग? मैडम वो बात सही है कि ब्रांडिंग जो करता है वो सबसे ज़्यादा बिकता है, लेकिन सेकंड पॉइंट आता है कि आज ब्रांड कितना रिलायबल है। तो ब्रांडिंग करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ब्रांड अच्छा होना भी इम्पोर्टेंट है। आज जो हमारे सॉल्यूशंस है उसमें हमको भी कॉम्पिटिशन्स आता है, लेकिन जब कस्टमर एक बार वो सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं और उसका यूनिकनेस देखते हैं और हमारे जो आइडियाज़ देखते हैं, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, तो वो हम उस तरीके से मतलब हमारा ऑटोमेटिकली वो कस्टमर पे हमारा पकड़ बन जाता है। और फिर सबसे बड़ी मार्केटिंग अगर आप देखने जाओगे एज अ वर्ल्ड वाइड, इट इज़ अ माउथ टू माउथ मार्केटिंग। तो हमारा जो मार्केटिंग मेन जो ज़्यादा मार्केटिंग है वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग ज़्यादा है। जो भी कस्टमर इम्प्लीमेंट करते हैं आज उनके नियर बाई इंडस्ट्री है, उनके फ्रेंड है, उनकी फैमिली है, उनके सर्कल में चीज़ें बताते हैं और समझते हैं, फिर हम वहाँ जाके उनको थोड़ा प्रेजेंटेशन करते हैं और वो चीज़ें उनको समझ में आती हैं। काम को लेके हमने बातें की, मार्केटिंग को लेके की, आपकी हॉबीज़ क्या है? काम के अलावा देखा जाए तो आपको मतलब क्या पसंद है? बिजनेस के अलावा घर को कैसे वक्त देते हो, घर वालों को किस तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्या हॉबीज़ है? मैडम मेरा हॉबी मेनली तो देखो काम करना ही हॉबी है, स्टडी वगैरह कुछ, और थोड़ा बहुत मैं मतलब बुक्स वगैरह पढ़ लेता हूँ, तो ज़्यादातर थोड़ा बुक्स के साथ ही टाइम बिता लिया करते हैं। 5 साल के बाद पावरट्रॉनिक्स को कहाँ देखेंगे? हमारे कुछ इंटरनल्स टारगेट्स है और हम लोग एज अ पावरट्रॉनिक्स को देखने जाएंगे, तो आज हमारा टारगेट्स है कि हमारा ऑल इंडिया नंबर ऑफ 10 ब्रांच होना चाहिए और वो सेल्फ एस्टेब्लिश ब्रांड होना चाहिए। और हम लोग जो अपना पावरट्रॉनिक्स जो टीम है उसको इस तरीके से ट्रीट करना चाह रहे हैं कि हर एक आज जो भी लोग पावरट्रॉनिक्स से जुड़े हुए होते हैं वो आज इंडिविजुअल ग्रोथ ना होके आज एज अ ग्रुप हमारा ग्रोथ होना चाहिए। आप इतने सालों से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कई सारे उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपको इस पूरे सफ़र में कभी फेस करने पड़े हो? मेनली तो मैडम जब हमने स्टार्ट किया तो इनिशियली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है वो है फाइनेंशियल चैनल्स, और आज का जो मार्केट कंडीशन है तो उसमें ये फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं। तो मेनली जो फाइनेंशियल चैलेंज है वो हमने काफ़ी बार फेस किया, और आई एम द फर्स्ट
फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली वो स्टार्टेड ऑन बिजनेस, सो थोड़ा नॉलेज का कमी था, लेकिन धीरे 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 करके हम लोग सीख रहे हैं और अभी आज भी हम लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं अभी आगे सालों में ये थोड़ा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किसी भी बिजनेस में आने के लिए सफलता मंत्र आपके हिसाब से क्या है? एक तो व्हील होना चाहिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, अगर आपका व्हील रहेगा तो आप उसको फेस कर सकते हो, नहीं तो आप वहीं पे फेल हो जाओगे। तो आपके व्हील होने चाहिए, फिर आपके कुछ गोल्स होने चाहिए जो क्लियर आपके सामने होने चाहिए, तभी आप कोई बिजनेस को सफल कर पाते हो। कई बार लोग डर जाते हैं और पता है मतलब नाकामी भी जब देखते हैं तो कई बार लोग गिव अप कर देते हैं, उसको लेके आप क्या कहोगे कोई भी बिजनेस के लिए? गिव अप करने से सॉल्यूशंस नहीं आते, गिव अप करने से आप जहां हो वहां पे ही खड़े रह जाते हो। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे थोड़ा और मुश्किल ही आएगा, लेकिन आपका जो ग्रोथ है वो थोड़ा मुश्किल के बाद ही आता है, और आपको सारी चीज़ों को पार करना ही होता है, तो आपको डटे रहना होता है नाकामियों के सामने और आपको फेस करते रहना होता है मुश्किल को। मुश्किल ज़्यादा लेसन सिखाती है। हाँ वही सिखाती है। हमारे साथ पावरट्रॉनिक कंपनी के जो टेक्निकल हेड है मिस्टर चंद्रकांत जी, वो साथ है, वो समझाएंगे कि पूरी प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पे काम करती है, यहाँ जिस तरीके से पूरा कामकाज होता है कैसा ये पूरा प्रोसेस है वो आप बताएं। प्रोसेस में मैडम हम लोग पहले कस्टमर का नीड समझते हैं कि उसको ऑटोमेशन क्या करना है, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल है, तो उनकी नीड के हिसाब से हम यहाँ पे पूरा कंट्रोल पैनल डिजाइन करते हैं, उसका वायरिंग वगैरह पूरा यहाँ पे होता है और उसके बाद उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो वो पूरा कंप्लीट करने के बाद हम पूरा पैनल कस्टमर को सप्लाई करते हैं। ये जैसे हाँ जी ये जैसे कि एक हमारा फार्मा इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए अभी काम चालू है, इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा तो फार्मा इंडस्ट्रीज में जाएगा। सेम वैसे ये दूसरा एक अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का पैनल है, तो वो टेक्सटाइल में जाएगा। सब में हमारा ऑटोमेशन का सिस्टम लगता है, वो ड्राइव्स लगते हैं, पीएलसी लगते हैं, तो पूरा कंप्लीट एक सॉल्यूशन उसमें बाहर निकलता है। सेम वैसा हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज में, तो सोलर के लिए हमारे पास ये सोलर पावर कंट्रोलर है, जो ये गवर्नमेंट का स्कीम था लास्ट ईयर बिफोर टू ईयर्स UGCL का जो एक स्कीम था किसानों के लिए, जो बहुत ही मतलब अच्छा स्कीम है, तो उसमें जहाँ पे किसान के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो अपना पंप जो है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सोलर से चालू कर सकता है, वो सोलर प्लेट लगाएगा और वहाँ पे गवर्नमेंट उसको पूरा सब्सिडी देती है, तो उसके लिए वो उसको कोई कॉस्ट नहीं देना है। हम ये एकदम बेहतरीन तरीके का मतलब IP54 पैनल देते हैं जो आउटर में वहाँ पे चलेगा, तो इसमें कोई भी डस्ट नहीं जाएगा, और इवन इसका सर्टिफिकेट हमको लेना पड़ता है इरडा से, और ये सर्टिफाइड पैनल हमारा जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसको 5 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अगर 5 साल तक आएगा तो उसको 5 साल का वारंटी दिया जाता है। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए काफ़ी एक अच्छी प्रोसेस जैसे आप बता रहे, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है किसानों के लिए। किसानों को क्या है कि जिसके पास वहाँ पे मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रीच नहीं है और उसने एक नया बोरिंग करवाया है, तो उसके लिए पंपिंग करने के लिए सबसे पहले उसको ज़रूरत है पावर की, तो वो पावर उसको सोलर से मिलता है, और सोलर क्या होता है कि सोलर फ्री में, लेकिन सोलर का जो सॉल्यूशन है वो बहुत कॉस्टली है, तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है जिसके तहत वो लोग उसको पूरा जो पैकेज है वो फ्री में देते हैं, उसको सिर्फ एक मतलब बहुत ही मामूली रकम जो होती है वो पे करनी होती है, जिसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको ये सप्लाई किया जाता है पूरा सिस्टम, जिसमें सोलर प्लेट से लेके ये पंप से लेके पंप सेट वो पूरा सिस्टम उसको वहाँ पे इंस्टॉल करके चालू करके दिया जाता है, और 5 साल का उसको वारंटी मिलता है कि 5 साल के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको फ्री में रिप्लेसमेंट किया जाता है। ये जो गवर्नमेंट ने मतलब सिस्टम निकाला है उसमें वो लोग भी उसका पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, तो हमने जितने भी डिवाइस आज तक सप्लाई की है वो सारे डिवाइस का मॉनिटरिंग होता है, उसमें मतलब पंप कितने टाइम पे चला है, कितने टाइम पे उसमें प्रॉब्लम आया है, या किसान ने उसको कितने घंटे चलाया है, और उसके निकालने के बाद उसमें कितना पानी निकाला है, वो सारा डेटा रिकॉर्ड होता है। अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है तो वो भी वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेरा ये एक पंप है वो सिस्टम आप देख सकते हैं कि 3550 घंटे से चला हुआ है और कंटिन्यूस उसने इतना सारा पानी निकाला है। और किस तरीके से पूरा डेटा इसमें दिखता है?
का इसमें पूरा मतलब उसमें जो भी अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो भी रिकॉर्ड होता है, तो जिससे कस्टमर जो है वो मतलब किसान जो है वो कभी भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकता है या हमको भी यहाँ से पता लग जाएगा कि वहाँ पे क्या फॉल्ट आया है और इवन हम यहाँ से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा सारा डेटा हम देख सकते हैं वहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमने जाना कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से किसानों के लिए भी काफी फायदेकारक ये चीज है, सरकार भी काफी प्रोत्साहन दे रही है, पूरी प्रोसेस को हमने जाना। आज की गौरव गाथा के सफर में हमने पावरट्रॉनिक कंपनी की मुलाकात ली, किस तरीके से कंपनी काम करती है, किस तरीके से इनके प्रोडक्ट काम करते हैं, किस तरीके की प्रोसेस होती है, ये तमाम जानकारी हमने ली।